हेलो, आज हम देखेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। सो असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है वो इंट्रोडक्शन में दिया है। यहाँ पे इट इज द नोन एज द स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये स्पेशल केस है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, इन विच ईच सोर्सेस एंड डेस्टिनेशन विल हैव यूनिट कैपेसिटी एंड रिक्वायरमेंट। मतलब हर एक जो सोर्स रहता है और डेस्टिनेशन रहता है उसकी यूनिटी कैपेसिटी रहती है, मतलब एक ही कैपेसिटी रहेगी और उसकी रिक्वायरमेंट भी एक ही रहेगी। एंड ऑल्सो अलोकेशन आर मेड ऑन 1-to-1 बेसिस, मतलब जो अलोकेट किया जाएगा एक जॉब हर एक चीज को वो 1-to-1 बेसिस पे किया जाएगा। मतलब वन एक को, टू दूसरे को, ऐसे हिसाब से वो किया जाएगा। हम वो प्रॉब्लम में देखेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे दो टाइप है, फर्स्ट है बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, दूसरा है अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। सो बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या रहता है कि जितने ऑपरेटर रहेंगे और जितना मतलब जितने सोर्स रहेंगे उतने ही डेस्टिनेशन रहेंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे वो इक्वल टू नंबर ऑफ रो रहेंगे। सो उसे हम बोलेंगे बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं रहेंगे सो उसे कहते हैं अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैं प्रॉब्लम के द्वारा समझाऊंगा। सो ये मेथड ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हंगेरियन मेथड यूज किया जाता है। फेज वन रो एंड कॉलम रिडक्शन, फेज टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब फेज वन होने के बाद हम फेज टू सॉल्व करेंगे। सो फेज टू में है ऑप्टिमाइजेशन। सो हम फर्स्ट देखते हैं कि फेज वन क्या है। सो फेज वन में हमारे पास स्टेप है। सो मैं आपको प्रॉब्लम के द्वारा समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग द हंगेरियन मेथड। द मैट्रिक्स एंटिटी रिप्रेजेंट द प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स। सो यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है वहां हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ऑपरेटर्स है और जॉब है। जॉब कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। सो ये जो क्वांटिटी अंदर दी है वो आवर्स की क्वांटिटी है। मतलब अगर हम फर्स्ट ऑपरेटर को पहला जॉब असाइन करेंगे सो उसे 9 आवर्स लगेंगे वो जॉब कंप्लीट करने में। वैसे ये पूरा क्वांटिटी दिया हुआ है। सो बाय यूजिंग दिस हमें ऑप्टिमाइजेशन फाइंड आउट करना है कि कम से कम आवर्स में ये पूरा काम कैसे कंप्लीट हो जाए और हमें हर एक ऑपरेटर को एक एक जॉब असाइन करना है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑपरेटर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और जॉब कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। मतलब हर एक ऑपरेटर को हम एक जॉब असाइन कर सकते हैं, पर ऑपरेटर 5 रहेंगे और जॉब 4 ही रहेंगे। सो हमें वहां पे हर एक एक डमी रो ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि हमारे पास 5 ऑपरेटर है, 4 जॉब है। सो हम इसमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास 4 ही जॉब है पर हमारे पास ऑपरेटर 5 है। सो हमें एक एक्स्ट्रा जॉब ऐड करना पड़ेगा, वो रहेगा डमी रो। मतलब डमी रो हमें ऐड करना पड़ेगा और उसकी क्वांटिटी रहेगी 0, 0, 0, 0, 0। सो इस हिसाब से हम ऐड करेंगे। सो हम देखते हैं कि हम फर्स्ट फेज कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट फेज में है रो एंड कॉलम रिडक्शन। सो यहाँ पे देखते हैं, स्टेप वन सब्ट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो फ्रॉम द एंटिटी ऑफ दैट रो। सो स्टेप वन में क्या है कि हम अभी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ रो फाइंड आउट करेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट रो है, इसमें मिनिमम क्वांटिटी कितनी है? 7। सो हम 7, यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी कितनी है? 6, 6। यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी कितना है? 6, अगेन 6 हम लिखेंगे। यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी कितना है? 9। यहाँ पे 2 9 है सो हम 9 ही लिखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिनिमम क्वांटिटी है 7 सो हम 7। हमारी मेथड क्या है कि जो हम ये वैल्यू है उसे हर एक क्वांटिटी से माइनस करेंगे। मतलब क्या हुआ, 9 माइनस 7 गिव्स अस 2, 11 माइनस 7 गिव्स अस 4, 14 माइनस 7 गिव्स अस 7, 11 माइनस 7 गिव्स अस 4 और 7 माइनस 7 0। अभी नेक्स्ट स्टेप है, वैसे हम हर एक चीज का करेंगे। सो अभी यहाँ पे हम सेकेंड रो में देखते हैं कि 6 माइनस 6 0, 15 माइनस 6 9, 6 माइनस 13 माइनस 6 7, 13 माइनस 6 7, 10 माइनस 6 4, वैसे 12 माइनस 6 6, 13 माइनस 6 7, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 2, 11 माइनस 9 गिव्स अस 2, 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 9 माइनस 9
जीरो, यहाँ पे अभी सेवन माइनस सेवन जीरो, ट्वेल्व माइनस सेवन फाइव, फोर्टीन माइनस सेवन सेवन, टेन माइनस सेवन थ्री, और फोर्टीन माइनस सेवन सेवन। सो ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप। सो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सब्ट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यूज ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम द एंटिटी ऑफ दैट कॉलम। सो हमें यहाँ पे कॉलम की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और वही कॉलम की हर एक क्वांटिटी से हमें मिनिमम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। सो हम देखते हैं वो कैसे किया जाता है। सो हमारे पास अभी ये कॉलम है। सो अब हम यहाँ से हर एक कॉलम की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो मिनिमम कॉलम की वैल्यू यहाँ पे देखो, मिनिमम कॉलम की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। इस सब में मिनिमम क्वांटिटी क्या रहेगी, जीरो। इसमें जीरो है सो यहाँ पे भी जीरो आएगा। यहाँ की मिनिमम क्वांटिटी क्या रहेगी, थ्री थ्री टू, टू मिनिमम होगा टू। यहाँ पे जीरो है सो हम यहाँ पे जीरो क्वांटिटी लिखेंगे। अभी हमें क्या करना है कि ये जो क्वांटिटी है उसे हर एक से माइनस करना है। सो यहाँ पे जीरो है वहां की वैल्यू तो हर एक की सेम ही रहेगी, सिर्फ डिफरेंस इस कॉलम में आएगा। सो हम देख वो सब्ट्रैक्शन करते हैं, टू माइनस जीरो, ये टू जीरो, सिक्स टू जीरो, ये सेम ही रहेगा। नेक्स्ट ये कॉलम भी वैसे ही सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा क्योंकि जीरो है यहाँ पे। ये होने के बाद अभी यहाँ पे टू है सो हर एक चीज से हम टू माइनस करेंगे, फोर से टू गया टू, सेवन माइनस टू फाइव, टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस टू वन, थ्री माइनस टू वन, यहाँ पे अगेन जीरो है सो ये जो क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगी। अभी हमारा ये सॉल्व हुआ है, मतलब कि आप फेज वन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फेज टू क्या है। अभी ऑप्टिमाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए पांच स्टेप है, वो हमें एक 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 करके फॉलो करना है। सो वो कैसे फॉलो करते हैं मैं आपको बताता हूँ विद एग्जाम्पल। फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर ऑल द नंबर ऑफ जीरो, ओके, इन द मैट्रिक्स। सो ये प्रोसीजर कैसे फॉलो की जाती है वो देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोसीजर क्या है स्टेप वन फॉलो करने की, जीरो नंबर ऑफ लाइंस कैसे प्लॉट करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे है रो स्कैनिंग। सो रो स्कैनिंग में क्या बोलते हैं वो देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, इज देयर इज एग्जैक्टली वन जीरो इन दैट रो, इफ यस मार्क द स्क्वायर अराउंड द जीरो एंटिटी एंड ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दैट जीरो, अदरवाइज स्किप दैट रो। मतलब इसका मतलब क्या है कि हम हर एक रो को देखेंगे, वहां पे अगर हमें एक ही जीरो मिल रहा है सो हम उस जीरो को स्क्वायर बनाएंगे और वो उस उधर वर्टिकल लाइन बनाएंगे। अगर वहां पे हमें दो जीरो मिल रहे, एक से ज्यादा जीरो मिल रहे हैं तो हम वो रो स्किप करेंगे, अगर हमें एक ही मिल रहा है तो हम वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आफ्टर स्कैनिंग द लास्ट रो चेक वेदर ऑल द जीरोस आर कवर्ड विद द लाइंस, इफ यस गो टू स्टेप टू अदरवाइज डू कॉलम स्कैनिंग। मतलब हमारा पूरा कंप्लीट होगा तो ही हम स्टेप टू पे जाएंगे, नहीं तो हमें फिर से कॉलम स्कैनिंग करना पड़ेगा। सो फर्स्ट हम रो स्कैनिंग देखते हैं कैसे। सो यहाँ पे रो स्कैनिंग करते हैं। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में देखते हैं तो एक ही जीरो है सो हम इस जीरो को स्क्वायर बनाएंगे और वहां पे वर्टिकल लाइन बनाएंगे। सो इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे। अभी हम सेकेंड रो देखते हैं। सो यहाँ पे हम देखते समय क्या समझ रहे हैं हमें कि यहाँ पे भी एक ही जीरो है सो हम उस जीरो को बॉक्स करेंगे और यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन बनाएंगे। थ्री रो थ्री, सो यहाँ पे दो जीरो है सो इस रो को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ रो, यहाँ पे देखते हैं कि एक ही जीरो है, ये पहले ही डिलीट हो गया है सो हम एक ही जीरो कंसिडर करेंगे। सो इससे हम बॉक्स बनाएंगे और इस लाइन में वर्टिकल लाइन बनाएंगे। ये होने के बाद हम फिफ्थ रो पे जाएंगे। यहाँ पे देखते समय हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है सो ये हम रो स्किप करेंगे। ओके सो यहाँ पे हमें इतना ही पता चल रहा है। सो हम नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आफ्टर स्कैनिंग द लास्ट रो चेक वेदर ऑल आर जीरो आर कवर्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑल जीरो आर कवर्ड हो गया है क्या, नहीं, यहाँ पे दो जीरो बाकी है सो
हर एक लाइन से जीरो कवर नहीं है, सो हमें कॉलम स्कैनिंग पे जाना पड़ेगा। सो अभी कॉलम स्कैनिंग क्या है वो हम देखते हैं। कॉलम स्कैनिंग भी रो स्कैनिंग जैसा ही है। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0 इन द कॉलम, इफ यस मार्क अ स्क्वायर अराउंड दैट जीरो एंटिटी एंड ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन। मेक अ नोट दैट रो स्कैनिंग में हमने वर्टिकल लाइन बनाई थी, कॉलम स्कैनिंग में हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और बाकी का मेथड सेम ही है। और आफ्टर स्कैनिंग लास्ट कॉलम वेदर चेक वेदर ऑल द जीरोस आर कवर्ड विद द लाइंस, वो भी हम देखेंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम कॉलम देखते हैं। सो कॉलम देखते समय फर्स्ट कॉलम तो डिलीट हो गया, सेकेंड कॉलम भी डिलीट हो गया, हम थर्ड कॉलम पे जाएंगे। अभी थर्ड कॉलम में देखते समय हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ही जीरो है, सो हम उस जीरो को स्क्वायर बनाएंगे और यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। कॉलम स्कैनिंग रो स्कैनिंग में हमने वर्टिकल लाइन बनाया था, कॉलम स्कैनिंग में हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। अभी नेक्स्ट इसमें फोर्थ में जाएंगे, सो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है, सो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। और फिफ्थ कॉलम तो पहली डिलीट है। सो हमारा कॉलम स्कैनिंग एंड रो स्कैनिंग खत्म हुआ है। सो यहाँ पे हमें समझ रहा है कि जो हमारा स्टेप फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखते हैं। स्टेप टू है चेक वेदर द नंबर ऑफ स्क्वायर मार्क इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जितने स्क्वायर हमने मार्क किए वो इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स रहेंगे। इफ यस गो टू स्टेप 5, अदरवाइज गो टू स्टेप 3। अभी अगर वो इक्वल रहेंगे तो स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 है ट्रीट द सॉल्यूशन एज मार्क बाय द स्क्वायर आर ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अगर जितने स्क्वायर रहेंगे और उतने ही रो रहेंगे दे आर इक्वल, देन वी सो हमें पता चलेगा कि जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे हम देखते हैं स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब चार ही स्क्वायर है और हमारे पास रो कितने हैं, 1 2 3 4 5, पांच रो है, मतलब क्या चार स्क्वायर है और हमारे पास पांच रो है, दैट इज नॉट इक्वल। सो मतलब हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो अभी अभी भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। सो हम स्टेप 5 पे नहीं जाएंगे, हम स्टेप 3 पे जाएंगे। सो अभी हम स्टेप 3 पे आएंगे। स्टेप 3 क्या बोलता है देखते हैं। आइडेंटिफाई द मिनिमम वैल्यू ऑफ अनडिलीटेड सेल वैल्यूज। सो हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ अनडिलीटेड सेल वैल्यूज। सो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो 7 2 7 5 1 1 7 1, ये जो है वो अनडिलीटेड सेल वैल्यूज है। सो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू है ये 1, मतलब ये 1 भी वही है, सो 1 है मिनिमम वैल्यू। सो हमें आइडेंटिफाई कर लिया कि अनडिलीटेड सेल वैल्यू कितना है, 1। सो अभी नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो देखते हैं। एट द मिनिमम अनडिलीटेड सेल वैल्यू एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द प्रेजेंट मैट्रिक्स, मतलब क्या है हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे और जो मिनिमम वैल्यू है उसमें वो ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से है, इंटरसेक्शन पॉइंट है 6 7 और 2, मतलब क्या है कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है। सो यहाँ हमें वो ऐड करने पड़ेंगे, मतलब क्या है कि 6 में हम 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में हम 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ऐसे हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखते हैं। सब्ट्रैक्ट द मिनिमम अनडिलीटेड सेल वैल्यूज फ्रॉम द ऑल डिलीटेड अनडिलीटेड सेल वैल्यूज, मतलब क्या है कि जो अनडिलीटेड वैल्यूज है उसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने ऐड किया था यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो, ऑल अदर एंटिटीज रिमेन्स सेम, मतलब बाकी की जो क्वांटिटी हमने जो डिलीट की है वो सेम ही रहेगी। अभी हम स्टेप 3 करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि जो 1 वैल्यू है उसे हम जो इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे ऐड करेंगे। सो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो 6 + 1 करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 + 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। नेक्स्ट कहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, सो यहाँ पे 2 में 1 ऐड करेंगे सो यहाँ पे हो जाएगा 3, बाकी के कहाँ पे भी चेंज नहीं होंगे। सो और नेक्स्ट है वहां पे बोला है कि जो अनडिलीटेड रो है मतलब अनडिलीटेड एंटिटी है वहां पे हम 1 नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जो मिनिमम क्वांटिटी है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे 7 से हम मिनिमम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 है, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 - 1 6, जो 1 यहाँ पे है 2 - 1 1, 5 - 1 4, यहाँ पे 1 - 1 0, 1 - 1 0, 7 - 1 6 और 1 - 1 0।
सो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल रहा है। सो बाकी की जो क्वांटिटीज है वो सेम ही रहेंगे। सो मैं वैसे की वैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे। स्टेप 3 कंप्लीट हो रहा है। सो अभी देखते हैं स्टेप 4 क्या है। स्टेप 4 है गो टू स्टेप 1, जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था वही हम सब यहाँ पे करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि कॉलम स्कैनिंग, रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग है। सो रो स्कैनिंग में क्या करेंगे कि हम फर्स्ट क्या वैल्यू है वो देखेंगे। हम फर्स्ट रो स्कैनिंग में क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करेंगे जो फर्स्ट इसमें एक ही जीरो है। हम इसे बॉक्स करेंगे और वहां पे वर्टिकल लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट है हम क्या करेंगे कि दूसरा रो स्कैन करेंगे, वहां पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक ही जीरो मिल रहा है। हम उस जीरो को स्क्वायर बनाएंगे और वर्टिकल लाइन से वो लाइन डिलीट करेंगे। नेक्स्ट है हम थर्ड रो में जाएंगे, थर्ड रो में देखते हैं कि यहाँ पे दो जीरो है। हम इस लाइन को स्किप करेंगे। फोर्थ रो में जाने के बाद यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि दो जीरो है। ये भी स्किप करेंगे, ये जीरो है वो कट हो चुका है। फिफ्थ लाइन में जाने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ही जीरो है। हम इस जीरो को बॉक्स करेंगे और ये लाइन वर्टिकल लाइन बनाएंगे। ये जीरो पहले ही डिलीटेड था। इसे हम ही ओनली यही जीरो कंसिडर करेंगे। ये होने के बाद हमें पता चल रहा है कि सब जीरो कवर्ड नहीं है। हमें कॉलम स्कैनिंग करना पड़ेगा। कॉलम स्कैनिंग करते समय हम क्या करेंगे, एक एक कॉलम देखेंगे। यहाँ पे ये कॉलम और ये कॉलम तो पहले डिलीट है। हमें 2, 1, 3 ही कॉलम देखने पड़ेंगे। टू कॉलम देखते समय हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ही जीरो है। हम ये जीरो को स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। यहाँ पे हमने वर्टिकल बनाई थी, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट है ये जीरो यहाँ पे है, नेक्स्ट है जीरो। हम नेक्स्ट 3 में यहाँ पे एक ही जीरो है। हम इस जीरो को बॉक्स करेंगे और यहाँ पे भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ये बनाते समय हमें पता चल रहा है कि जो वैल्यूज है ऑल जीरो आर गेट कवर्ड हो गए। हम देख रहे हैं कि अभी हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि नेक्स्ट स्टेप जो है वहां पे हम बॉक्स कितने हैं इक्वल टू नंबर ऑफ रोज कितने हैं। बॉक्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 बॉक्स है और हमारे पास रो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, वो हो गए इक्वल। मतलब हमारे पास जितने भी रो है उतने भी कॉलम है। हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया। हम यहाँ पे असाइनमेंट देखते हैं कि कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे ही दिखाता हूँ आपको। बस जॉब है और हमारे पास ऑपरेटर है। हम जॉब कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऑपरेटर, और हम टाइम भी देखते हैं। ऑपरेटर में अभी यहाँ पे देखते हैं 1, 0 कहाँ पे, 5 नंबर पे। हम फर्स्ट जॉब जो है वो 5, 5th ऑपरेटर को देंगे। ये हो गया 5। सेकेंड है 0 यहाँ पे, हम सेकेंड जॉब फर्स्ट ऑपरेटर को देंगे। फर्स्ट। थर्ड जॉब हम जहाँ पे बॉक्स है वो ऑपरेटर को देंगे, थर्ड जॉब हम थर्ड ऑपरेटर को ही दे रहे हैं। फोर्थ जॉब हम यहाँ पे 0 है सेकेंड को देंगे, सेकेंड। और फिफ्थ कहाँ पे, 0 यहाँ पे है, हम फिफ्थ जॉब फोर्थ ऑपरेटर को देंगे, यहाँ पे बॉक्स है वो कंसिडर करेंगे। ये हो गया फोर्थ। मतलब ये हमारा पूरा असाइनमेंट हो गया। मतलब फर्स्ट जॉब फिफ्थ को देंगे, फिफ्थ ऑपरेटर को देंगे, सेकेंड जॉब फर्स्ट ऑपरेटर को देंगे, थर्ड जॉब थर्ड ऑपरेटर को देंगे, फोर्थ जॉब सेकेंड ऑपरेटर को देंगे, फिफ्थ जॉब फोर्थ ऑपरेटर को देंगे। अभी हमें टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो टाइम है वो हम एक्चुअल प्रॉब्लम से लेंगे। ये हमारा प्रॉब्लम है, देखते हैं कि टाइम क्या क्या लेना है। अभी फर्स्ट जॉब फिफ्थ ऑपरेटर को असाइन किया, उसे लगते हैं 7 आवर्स, हम 7 यहाँ पे करेंगे। सेकेंड जॉब हमने फर्स्ट ऑपरेटर को दिया है, यहाँ पे 6 है, हम यहाँ पे 6 पुट करेंगे। थर्ड जॉब हमने थर्ड ऑपरेटर को दिया है, थर्ड जॉब थर्ड ऑपरेटर यहाँ पे कितना टाइम है, ये टाइम लेंगे। यहाँ पे हमने ये टाइम लिया था, यहाँ पे ये, और यहाँ पे 6, हम यहाँ पे 6 अगेन लिखेंगे। फोर्थ जॉब हम कौन सा ऑपरेटर को दे रहे हैं, सेकेंड ऑपरेटर, यहाँ पे सेकेंड का टाइम कितना है, 9। और फिफ्थ जॉब हमने फोर्थ ऑपरेटर को दिया था, ये 10। हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इन सबका हम एडिशन करेंगे, हमें मिल रहा है 38 आवर्स। ऐसे ही हम असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।